हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है लक्ष्मी किचन में एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पापड़ की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, जब हमारे घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं तो घर में कोई सब्जी अगर बाज़ार से लाई हुई नहीं होती तो हम इस तरीके से पापड़ की सब्जी बनाकर भी उनका आवभगत कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो मैंने इंडिकेट लिए वो इस प्रकार से हैं। प्याज ले ली छोटे साइज़ की 2, लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 5 से 6 हरी मिर्च ले ली हैं और एक टमाटर कट कर लिया है। और अब इनको हम एक मिक्सर के अंदर पीस लेंगे। तो देखिए, हरी मिर्च और टमाटर को 2 हिस्सों में कट करके और लहसुन की कलियों को इसके अंदर डाल के इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। ज़्यादा बारीक नहीं करना है हमें। और चलिए अब कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पर सरसों का डाल दिया है। सरसों का ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा, तब उसके बाद में हम आगे जो प्रोसेस वो करेंगे। प्याज को हमने यहाँ लंबे पीसेस में बारीक बारीक कट कर लिया है। पापड़ को हम यहाँ पर सेकेंगे नहीं, ये पापड़ बस हमने ऐसे ही टुकड़े कर लिए हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा। जीरा अच्छा सा चटक कर तैयार हो चुका है हमारा। अब डाल देते हैं इसमें प्याज। प्याज को हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे, अब ज़्यादा नहीं करना है हमें। देखिए कितनी अच्छी हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। जीरा और प्याज भी हल्के हल्के होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसको अच्छा सा चला लेते हैं। तो इधर हमारा जो पेस्ट तैयार है दरदरा, वो पेस्ट भी इसके अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके आगे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमने पेस्ट तैयार किया वो पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देते हैं। टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब इसको भी अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे इसको भी। देखिए इस प्रकार से, अभी तक हमने पानी का यूज़ भी नहीं किया है तो अभी हम नहीं करेंगे पानी का यूज़ क्योंकि अभी मसाला पकाना है। तो ये देखिए इस प्रकार से इसको मिक्स कर देते हैं। अब डालते हैं सूखे मसाले। तो सूखे मसालों के अंदर हम सबसे पहले इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद के अकॉर्डिंग। और अब डाल देते हैं इसके अंदर एक धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च भी 1 चम्मच, क्योंकि हमने हरी मिर्च को पीसा था इसलिए लाल मिर्च थोड़ी कम डालिएगा क्योंकि हरी मिर्च तीखी होती है। और अब हल्दी डाल देते हैं 1/2 टेबल स्पून। अब इन मसालों को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद में इसको थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मसाला अच्छा सा पक जाए। और पापड़ की सब्ज़ी में पहले पानी डालना पड़ता है तो इसलिए पहले इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद में थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छा सा उबल कर तैयार हो जाए। और पापड़ की सब्ज़ी झटपट बनने वाली रेसिपी है और ये हमारे ज़्यादातर घरों में महिलाएँ रखती हैं, खुद बनाती भी हैं पापड़। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। देखिए इस थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब क्या करें, जब हमारा मसाला अच्छे से पक कर रेडी हो चुका है तो हम इसके अंदर थोड़ा पानी और डालेंगे ताकि हमारी पापड़ की जो सब्ज़ी है वो बनेगी बढ़िया लाजवाब। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने किया उनसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर कीजिए। तो देखिए पानी डाल दिया, ढक्कन लगा देते हैं और इसको अच्छा सा बॉईल कर लेते हैं। देखिए पानी अच्छा सा बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमने जो पापड़ को टुकड़ों में किया था वो पापड़ इसके अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्जी झटपट बनने वाली सब्जी है ये। तो देखिए पापड़ इसके अंदर मिक्स कर दिए, इसमें सिर्फ 2 ही मिनट लगेंगी, हमारी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए पापड़ को डालने के बाद में 2 मिनट इसको ढक्कन लगा देते हैं। देखिए पापड़ की सब्जी कितनी प्यारी हमारी रेडी हो चुकी है। ऊपर फ्रेंड्स, आप गार्निश के लिए इसके अंदर हरा धनिया, कसूरी मेथी कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हरे धनिया का यूज़ किया है। यहाँ पर लास्ट में हम देखिए इस प्रकार से आपको दिखा रहे हैं, हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसी रेसिपी के साथ लक्ष्मी किचन। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। और ये देखिए सब्जी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। थैंक यू।